सो लैट गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के वाई 51 डिवाइस के अंदर आप जो है जेस्टर बैक बटन का यूज़ कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर यूट्यूब को अपने प्ले स्टोर को ओपन करता हूँ, कुछ भी ओपन कर लीजिए आप, यहाँ पर बैक आने के लिए आप एक बार लेफ्ट या राइट साइड में स्क्रॉल करेंगे तो ये बैक आएगा। होम पेज पर जाना है तो एक बार आप स्वाइप अप कर दीजिए, होम पेज पर आ जाएंगे। तो आप इसे कैसे इनेबल करेंगे अपने फ़ोन के अंदर? गाइस, इसे ऑन करने के लिए आपको फ़ोन सेटिंग के अंदर जाना होगा। सेटिंग्स हमारी यहाँ पर है, आप इसको ओपन करेंगे। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएँ, उससे पहले आप जो है सर्च बार में टाइप भी कर सकते हैं सिस्टम नेविगेशन। आप यहां पर जैसे कि मैं टाइप कर रहा हूं, या फिर आप नेविगेशन जेस्टर भी टाइप कर देंगे तब भी आ जाएगा। देखो यहां पर सिस्टम नेविगेशन आ चुका है, और नेविगेशन जेस्टर भी डालेंगे तो भी आ जाएगा। आप इसको सिस्टम नेविगेशन पर क्लिक करेंगे। अगर आपको मैनुअल इसका यूज़ करना है तो आप सिस्टम सेटिंग का एक ऑप्शन शॉर्टकट में होगा, आप उसको प्रेस कर लेना, उसमें भी आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। आप सिस्टम नेविगेशन पर क्लिक करेंगे, हालांकि मैं दिखा देता हूं, अदरवाइज़ काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको कर नहीं पाएंगे। नीचे आइए, सिस्टम वाला सेटिंग्स मिलेगा, आप इसको क्लिक करेंगे। अगेन आपको सिस्टम नेविगेशन पर क्लिक करना है, जिसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला है थ्री बटन नेविगेशन, दूसरा है जेस्चर नेविगेशन। पहले वाले पर क्लिक करेंगे तो ये आपका थ्री बटन्स है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि जेस्चर यूज़ करना है तो जेस्चर नेविगेशन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने बटन्स जो है हाइड हो जाएगी, एक ऑप्शन मिलेगा हाइड बॉटम बार, ये जो है ऑफ रहेगा। यहाँ पर एक लाइक एरो आपको दिख रही है, बॉटम दिख रहा है, आप इसको अगर चाहें तो बंद कर सकते हैं इस एरो को। इसको जस्ट ऑन करेंगे तो ये जो है एरो भी गायब हो जाएगी यहाँ से। अब इसको जितनी भी ऑप्शन है सबको इनेबल कर लेना। यहाँ पर जस्ट नेविगेशन ट्यूटोरियल का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप जो है न्यू यूज़र हो तो आप इसका एक्सपीरियंस ज़रूर करें, ताकि अगर आप इसको यूज़ करते हैं जस्टर को तो कोई दिक्कत ना हो, आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए पहले हमें स्वाइप अप करना होगा यहाँ से। इसको हम इस तरह से स्वाइप करेंगे तो हमारा सक्सेस हो चुका है। सेकेंड हमारे पास आएगा व्यू बैकग्राउंड, जिसमें लेकर ऊपर ले जाकर थोड़ा सा होल्ड करना है। देखो मैं यहाँ पर करके होल्ड करूँगा तो मेरा यहाँ पर बैकग्राउंड आ चुका है, ये भी सक्सेस हो चुका है। अब यहाँ पर बैक जाने के लेफ्ट या राइट साइड में स्क्रॉल करेंगे तो हमारा बैक हो जाएगा। देखो यहाँ पर यू है फिनिशड, यहाँ पर कंप्लीट हो चुका हमारा टास्क, और ऐसे ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं जेस्चर बैक बटन का। आई होप गाइस समझोगे कैसे इसका इस्तेमाल करना है। फिर भी कोई कंफ्यूजिंग होती है आपके मन में इसके रिकॉर्डिंग, तो नीचे कॉमेंट सेक्शन है, आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।